सिमरिया विधायक खुलेआम गुंडे सिरमौर सीओ के साथ धमकी भरे लफ्जों में की वार्तालाप, टारगेट करने की दी धमकी, वीडियो है वायरल। जहां देश 75वीं स्वतंत्रता आजादी का जहां पूरा जश्न मना रहा है और जश्न मनाने के साथ में वही लगातार भाजपा समर्थित नेता लगातार धमकी भरे लफ्जों में टारगेट करने की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिमरिया विधायक ए पी त्रिपाठी की, जिन्होंने एस के मिश्रा सीओ जनपद पंचायत सिरमौर के, उनको कहीं न कहीं से किसी बात को लेकर के वो धमकी भरे लफ्जों में बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं से टारगेट करने की बात कह डाली। ऑडियो वायरल होने के बाद अज्ञात लोगों के द्वारा इन पर हमला भी किया गया है। अब इसके बाद क्या कार्रवाई होगी, अब जिला प्रशासन का देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए कि आखिर क्या थी खास वजह। जी बोलिए। केपी भैया बात कर रहे हैं, विधायक सुमरिया। सर नमस्ते। सीओ साहब आपकी लगातार बहुत कंप्लेन आ रही है, अब बहुत बुरा हो जाएगा। क्या जैसे दूसरे लोग बोल, आप हमारे लोगों को बोल बोल के तंग करते हैं। आप मुझे एक एग्जांपल का नाम बताइए, कौन आदमी है ऐसा कहता है। मैं तो आपको बोल चुका ना, कई बार बोल चुका मैं। सुनो, अरे आज सुनो यार, पहले सुनो पूरा। नहीं देखिए सुनिए, आउट करो। जिला सीओ कल बता रहे थे कि संदीप को ही बोल दिए हो कि सरपंच और सचिव लड़े हैं दोनों आपस में। नहीं, मेरी सीओ जिला पंचायत से संदीप के संबंध में कोई बात नहीं हुई है, और अगर ये होता तो मैं दो बार उसका प्रस्ताव भेजता। आप ये बताइए पहले। अब ये आप रंगौली में सचिव को बुला के नवीन खान को बोल रहे हो वीरभद्र सिंह बहुत बढ़िया सरपंच के साथ काम करो। नहीं सुनिए, नवीन खान ने लिख करके दिया मुझे कि मेरी जान को वहाँ खतरा है। हाँ। समझ रहे ना, मैं वहाँ काम नहीं करूँगा। बस उसको हटा दीजिए, रोजगार साहब को प्रभाव। अरे सुनिए, तो वही मैंने प्रस्ताव भेजा है उसका जिला पंचायत में। जिला पंचायत में उसका यही प्रस्ताव भेजा, किसी को अगर जान का खतरा है। मैं फिर कुछ उल्टा कर देते हैं मीटिंग में, हमारे जो लोग हैं उनको डांटते हैं आप। किसको? आप हमें एक का नाम बताइए। मैं पहले भी बताया कई बार आपको कि मैं जानू तो कि आपका कौन आदमी है। मैं तो सबको आपका आदमी मानता हूँ। दबे पांव चलते हैं, ज्यादा हम शोर नहीं मचाते। और आप मुझे तो आप बता सकते हो ना, ये आदमी है इसको आप डांटते हो, ये मेरा आदमी है इसका ध्यान रखना। मैं समझ में नहीं आता। मैं आप बोलते हो कि ज्यादा तुम नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो। अभी तक विवेक गौतम भुगतान हुआ? विवेक गौतम का काम किया विवेक गौतम ने, ये बताइए। जितने का उसका भुगतान हो गया है उसका आधा काम है वहाँ पर। अब आप बताइए, उसका खमरिया मझगवा का मैंने उसका पेमेंट कर दिया, आपने कहा खमरिया का पेमेंट कर दो, खमरिया का कर दिया। जब मनरेगा में भुगतान लगता है हाँ, तो पहले आप बाकी सब जगह जहाँ भुगतान किए हो वहाँ अंकित शुक्ला लोगों का किए हो, सब काम हो गया है? एक है ऐसा है, आपको बताऊं मैं, सुन लीजिए। जरमई कर्मई में सेक्रेटरी लिख के देता रह गया कि सरपंच ने पैसा निकाल लिया, पूरा पैसा खा लिया। आप उसको लीपा पोती करने में लगे रह गए, एक भी आज तक उसमें एक्शन लिया कुछ जरमई कर्मई में? पहली बात बताऊं मैं आपको कि जरमई का सेक्रेटरी का कोई पत्र मेरे पास नहीं है। जरमई में मुझे भी मालूम चला कि मुझे मैंने खुद फोन किया है आपको। आपने मुझे फोन किया, उसके पहले मैं वहां गया और मैं जाकर के आठ लाख रुपए उसका वापस जमा कराया। 8 लाख पूर्वा में तमाम सेट बनने हैं, हो गए सेट फाइनल। पेमेंट आपने किया है, कितना पेमेंट कराया और कितना फाइनल हुआ है पेमेंट? पूर्वा में देखिए, पूर्वा में केवल 10 सेट है, 10 सेट उसके पूर्वा में फाइनल है, 10 सेट। और इसके बाद शेष का उसमें पैसा नहीं निकला है, सरपंच के उसमें है। जहां तक मुझे पर्टिकुलर, मैं एक आदमी को पक्ष नहीं लेता हूं, मैं तो सबको समान लेके चलता हूं। काम होना चाहिए और काम होने को एक आदमी दो आदमी बोलता है तो चलता है, लेकिन आपके बारे में पूरा जनपद बोलने लगा है। पूरा जनपद आप ये पूछते हो कि केपी त्रिपाठी कौन आदमी, उनको तंग करो। आप फिर गलत बात बोलते हैं। आपको कम से कम इसमें बोल रह करके ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि जो आदमी, अरे यार हमको आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आरोप लगाने लगेंगे अभी आपको बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं, दूसरे से आरोप नहीं लगा रहे हैं, नहीं फिर दूसरे का आरोप हम जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे आरोप लगा रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। फालतू की बात मत करो तुम। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात करता हूँ उस मुद्दे की बात करता हूँ। और जो आदमी ऐसा आरोप लगाता है सामने आवे बोले कि मैंने किसी के साथ जाति किया। अरे तुमको एक साल से झेलते झेलते तुम इधर फोन करते हैं, तुम उधर उल्टा काम करते हो, कैसे काम करते हो यार? मैंने कहीं उल्टा कोई काम नहीं किया है, कैसी बात करते हो? सथनी में ऐसे उल्टा सीधा बोल बोल के सारे फाइल बढ़ा बढ़ा के ऐसे सथनी में किया। कौन सी पंचायत बची है जहाँ नौटंकी नहीं किए हो? अच्छा है, सथनी में हमने क्या किया है बताइए तो। कमिश्नर से न रुकवाते हम तो तुम तो बंटरधारी कर दिए। तो जो ऑलरेडी फाइल पहले से चल रही है तो उसको फाइल को क्या करेंगे? ऊपर से पत्र आएगा तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे क्या? कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे? नौटंकी की पराकाष्ठा है, कॉरेस्पॉन्डेंस हमको न बताओ। देखो हम
अब क्या बताएं, फिर बात नहीं करना चाहते हम ज्यादा अभी। नहीं, बात की पब्लिकली हम बैठे हुए हैं, इसलिए बाद में अकेले होते फिर हम बताते। मैं भी बता रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ और ऑफिस में बैठ करके ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कुल मिला के एक बात नोट कर लो, नौटंकी मत करो, हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूँ कि आप टारगेट ना करो। मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करो टारगेट तुझको। हाँ, मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा। सुनो, नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे, हटा दू मैं। चल चल, तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, मैं लिख के दे दूंगा कि मुझे हटा दो, मैं लिख के दे दूंगा ना। हटाने उठाने का ठेका नहीं ले रखा है तो आप गुंडागर्दी मत करो मेरे आदमियों से। अरे हम किसी गुंडा नहीं करते हैं। गुंडे हो तुम? हम कोई गुंडा नहीं है। अरे पैसा मांगते हो खुले, हम घूस लेते हो। अरे सुनो, बदतमीजी पूर्ण बात मत करो, गाली गलौज कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? समझ लियो आपको, साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने तुम, खाते हो इनका पैसा। अब जब मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रहा था और इसके बाद पूरे दलाल पाल रखे हो, उन दलालों के माध्यम से पैसा खाते हो, मुझे नहीं मालूम है क्या साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो? कौन सी अच्छा पंचायत ने काम किया है बताइए,